सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। तो एक्सा वाले ने हमें अपने भेजे हैं गेमिंग ईयरबड्स, तो करते हैं इस वीडियो में इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए शुरू कर दें गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई। तो इस गेमिंग ईयरबड्स में ना देखो जो खास फीचर है, तो गेमिंग मोड भी मिल जाता है, एक तो म्यूजिक मोड देखने को मिल जाता है, एंड साथ में 38 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है, एंड साथ में 2 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, साथ में अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, सामने देखो एक्सा की ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर है GT1 ट्रू वायरलेस गेमिंग ईयरबड्स। अब ये गेमिंग ईयरबड्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर गाने नहीं सुन सकते, तो सुन सकते हो। इसके अंदर स्पेशल म्यूजिक बोर्ड भी देखने को मिल जाता है गेमिंग मोड के साथ के साथ। तो इस साइड कुछ इसके खास फीचर मेंशन है, जैसे कि 38 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी, टच स्विच, गेमिंग म्यूजिक मोड, जैसे कि आपको मैंने बताया गेमिंग एंड म्यूजिक मोड इसके अंदर आता है। बाकी यहाँ पे बैटरी की इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा कितना बैटरी पैकअप मिलता है। तो यहाँ पे इसके कुछ मतलब स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे 5.0 ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, स्पीकर साइज 10 mm का है। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग में पैक होकर आता है ये। तो ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक वाला यहाँ पे लॉक है, तो जैसा केस आपको अंदर देखने को मिलेगा वैसे ही इसके अंदर डिज़ाइन दिया गया है फ्रंट पे। तो ओपन कर लेते हैं इसे, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक केस जिसके हमारे अंदर मतलब ईयरबड्स हैं। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है केबल एंड एयर टिप्स, तो दिखा देता हूँ आपको कौन सी केबल है। तो टाइप सी 2 USB वाली केबल देखने को मिल जाती है, एंड फास्ट चार्जर भी सपोर्ट कर लेता है। एंड कुछ ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं छोटे बड़े साइज के, अपने ईयर के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। बाकी एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है, जिसमें सारे इसके मतलब शॉर्टकट फीचर्स आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। तो आते हैं ईयरबड्स की तरफ, तो ये देखो केस जो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाता है, एंड ये थोड़ा कोबरा डिज़ाइन के साथ आता है, तो कंपनी कहती है कोबरा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे एक्सा की ब्रांडिंग है, तो यहाँ पे इन्होंने दिए गए चार्जिंग इंडिकेटर्स, तो कितने मतलब कितनी चार्जिंग रहेगी ये यहाँ पे भी शो करता है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, चार्जिंग आपकी यहीं पे बता देगा ये। तो पीछे से कुछ मॉडल नंबर वगैरह मेंशन है, तो प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, डिज़ाइन कोबरा वाला आपको मैंने बता ही दिया है। पीछे टाइप सी बोर्ड है, तो टाइप सी से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो जब इसे आप चार्ज लगाएंगे तो यहाँ पे चार्जिंग की लाइटें जलने लग जाएंगी, जिससे आपको पता लगेगा बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, कितनी बाकी है। तो फटाफट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक वाला देखने को मिल जाता है लॉक। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पूरी, मतलब जो उसकी डब्बी है ना, उसे क्या कहते हैं मतलब केस है जो, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, प्लास्टिक बिल्ड है, सॉलिड बिल्ड है। एंड अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं ईयरबड्स, तो ईयरबड्स को भी निकाल लेते हैं बाहर। तो एंड यहाँ पे भी मैग्नेट बहुत अच्छा है, आराम से सीधा लग जाते हैं, सीधे चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड ये निकाल लेते हैं हम बाहर, एंड यहाँ पे भी आपको देखो यहाँ पे भी लाइट चलनी स्टार्ट होगी ना, ये बता रहा है कितनी बैटरी बाकी है, ठीक है ये आपको पता लग गया होगा अब। तो यहाँ पे भी देखो देखो ऑटोमेटिक मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो गया होगा, ये ऑटो पेयर है, तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है मतलब। तो इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कोबरा वाला डिज़ाइन है, सामने जरा एक्सा की ब्रांडिंग है। एंड साइज़ की बात करें तो यार मीडियम साइज़ के साथ आता है, ना ही ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह कानों में फिट हो जाते हैं। बिल्ड की बात करें तो ये भी प्लास्टिक के बने गए हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब प्रीमियम वाली फील देते हैं ये। एंड इसके ऊपर आपके टच बटन देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी कॉल को कट कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, मतलब अपना म्यूजिक भी पॉज कर सकते हो। एंड आपको कुछ सेकंड के लिए बस प्रेस करके रखना है, तो आप गेम मोड से इसे म्यूजिक मोड में भी शिफ्ट कर सकते हो। गेम मोड में आपको 38 ms की लिटरेंसी जो होती है ना वो फीचर काम करता है, बाकी इन दोनों में इस मतलब जो ऑडियो बिल्कुल सेम आती है, खाली गेमिंग मोड ऑन करते 38 ms की लिटरेंसी जो होती है ना फीचर वो ऑन हो जाता है। एंड ऑफकोर्स आपको माइक भी देखने को मिल जाता है, तो कॉलिंग तो आप कर सकते हो यार ईयरबड्स हैं। एंड ब्लूटूथ 5 आपको देखने को मिल जाता है, एंड ये आपके वाटर रेजिस्टेंट भी है, तो थोड़ी बहुत अगर पानी पुनी में मतलब डायरेक्ट पानी में गिर जाए तो खराब हो जाएगा, वैसे छोटे छीटे छूटे पड़ जाए रेन में तो वो आपका आराम से सहलेगा। बाकी आप कंफर्ट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आपको बताया मीडियम साइज़ के अंदर आते हैं, तो मेरे कान के हिसाब से मुझे तो कंफर्टेबल लेवल काफ़ी अच्छा था, मतलब सिर हिलाया भी तब भी नहीं निकले, ना ही ढीला फील हुआ कभी। तो मैं इसको मतलब अपने घर में एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ये डाल म्यूज़िक चला के, तो बिल्कुल भी लूज़ फील नहीं होते, बिल्कुल भी कोई इधर उधर से गिरता गुरता नहीं है ये, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग है मेरे कानों के हिसाब से। तो मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो गेम मोड में उसके अंदर जब ऑन करोगे ना आप गेमिंग मोड, तो आपको 38 ms का लेटेंसी वाला फीचर इसका ऑन हो जाएगा, जिसके कारण आपको बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिलेगा गेमिंग के अंदर। तो मैंने उसके अंदर पबजी खेल के देखी थी, वैलोरेंट खेल के देखी थी, एक्यूरेट बिल्कुल तुरंत गन की जो शूटिंग साउंड होती है ना वो तुरंत आती थी, कोई भी डिले नहीं लगा मुझे। एंड फुटस्टेप्स वगैरह काफ़ी क्लियर थे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई गेमिंग के अंदर। तो गेमिंग के मामले में मैं 10 में से इसे 10 नंबर दूंगा। एंड बात कर लेते हैं म्यूजिक मोड की इसके अंदर, तो वैसे तो देखो गेमिंग और म्यूजिक मोड में बिल्कुल साउंड तो सेम आती है, लेकिन गेमिंग मोड ऑन करते ही आपके 38 ms की लेटेंसी वाला मोड ऑन हो जाता है,
जिसके कारण आपको बहुत ही कम लेटेंसी देखने को मिल जाती है। तो चाहे आप गेमिंग मोड में गाने सुनो चाहे म्यूजिक मोड में आप गाने सुनो, आपको साउंड बिल्कुल सेम देखने को मिल रही है। तो बात कर लेते हैं मेरे म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस की, तो वो यार काफी मतलब जितने भी अभी तक मैं यूज कर रहा था उन सबको मैंने छोड़ के इसे पर्सनली यूज करना चालू कर दिया है। तो इतनी अच्छी बेस है, अगर आप बेस लोगे तो बेस काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, ट्रेबल बैलेंस है, साउंड क्वालिटी काफ़ी क्लियर है एंड साउंड भी इसके अंदर काफ़ी लाउड देखने को मिल जाती है, तो मुझे 50% पे यूज़ करनी पड़ती है वॉल्यूम इसकी। तो ओवरऑल साउंड के मामले में ना मैं 10 में से 10 नंबर देने वाला हूँ इसको जिस प्राइस पे जाता है। तो बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो इसकी जो केस की बैटरी है ना वो है 500 mAh की, जिसमें इसके ईयरबड्स आप 4-5 बार आराम से चार्ज कर सकते हो। एंड जो इसकी ईयरबड्स की बैटरी है वो है 50 mAh की, तो जो कि मुझे 5-6 घंटे का आराम से रेगुलर यूज पे बैटरी बैकअप मिल गया था मुझे। तो फाइनल वर्ड की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी साउंड है, मतलब कोई भी कौन मुझे देखने को नहीं मिली। अगर धक्के से कौन निकालनी हो तो मैं एक केस में कौन निकाल सकता हूँ, लाइक इसका मतलब ढक्कन ये वाला ऊपर इतना मजबूत नहीं है, बाकी पूरा केस काफ़ी मजबूत है, खाली ढक्कन मजबूत ना नहीं है, ढीला डाला थोड़ा, मतलब ढक्कन थोड़ा लूज टाइप का है क्योंकि मैग्नेटिक वाला है, वैसे खुलता तो नहीं अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी धक्के से जो कोड निकाल रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल गो फॉर इट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा एंड डिस्काउंट कूपन का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। तो बस यही तक था वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बाय बाय।